स्क्रीन पर जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी होंगी। तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना दिल्ली के सियासी गलियारों में तेज हो चली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे देने का ऐलान किया है तो तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम सामने आ सकता है। और अब ये जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि आतिशी नई दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तो दिल्ली की नई जो सीएम है वो आतिशी होंगी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है, जहां पर दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, इस नाम पर मोहर लग चुकी है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, 11:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता की जा रही थी और माना यह जा रहा था सियासी गलियारों में कि आतिशी ही अगली मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की हो सकती हैं। और अब बताया जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, सियासी गलियारों में जो नाम सबसे ज्यादा सामने आया, आखिरकार उस पर मोहर लग चुकी है? देखिए, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की आज बैठक थी और जिसमें कि मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही इस आतिशी के नाम का संबोधन किया। और उसके बाद जिस तरह से वहां पे तालियां बजी हैं और जिस तरह से इस मामले पर औपचारिक तौर पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मुहर लग गई है, और जैसे ही आतिशी का उनका नाम लिया गया और इस मामले पर चर्चा हुई, उसके बाद जिस तरह से कहा जा सकता है कि अन्य जितने भी और भी कैंडिडेट थे उनके नाम को दरकिनार करते हुए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक आतिशी जो पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही और जिस तरह से चाहे वो अन्ना आंदोलन की बात कहें और जिस तरह से इस मामले में वो पार्टी के से जुड़ी है और पार्टी के विचारों के साथ जुड़ी, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा था। हालांकि कल ही न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी आतिशी पहुंची थी और उस वक्त में खुलकर अपने विचारों को रख रही थी और न्यूज 18 के कार्यक्रम में ही उनसे पूछा भी गया, तो उस वक्त में हालांकि वो मुस्कुरा करके उन्होंने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी की जो बैठक होगी और उस बैठक के दौरान में तमाम नेताओं के द्वारा उस नाम का चयन किया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। तो कहीं कहीं जिस तरह से कहा जा सकता है, एक जो संभावना जताई जा रही थी आतिशी के नाम पर, लगभग लगभग मुहर लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से बैठक के दौरान में आतिशी का नाम वहां पर जिक्र किया गया और उसके बाद जिस तरह से तालियां बजी, जिस तरह से जो तमाम नेता और मौजूदा जो दिल्ली के मंत्री हैं उनके द्वारा जिस तरह से उनके नाम पर सहमति जताई गई, तो लगभग समझ लीजिए कि आतिशी के नाम पर मुहर लग चुका है और दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी ये भी अब लगभग लगभग तय हो चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पूर्व दिल्ली के जो पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में जिस तरह से जेल गए थे, जेल से जमानत पे आने के बाद जिस तरह से इस मामले में पिछले 3 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देंगे और दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री भी देंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उन्होंने विधानसभा भंग करने के बजाय उन्होंने अपने ही पार्टी के काफी सीनियर और काफी एक सुलझी हुई नेता के तौर पर जानी जाती हैं आतिशी, उनके नाम का उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद आतिशी का नाम संबोधन करने के बाद ही वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो खुशियां हैं नेताओं के चेहरे पर वो देखी जा सकती हैं। और अब लगभग तय हो चुका है कि दिल्ली की जो अगली मुख्यमंत्री होंगी वो आतिशी होंगी। और आतिशी की अगर बात करें तो आतिशी का जो एक कहा जा सकता है कि पार्टी के अन्य नेताओं के बीच में भी उनकी जो एक कहा जा सकता है कि संपर्क और एक कहा जा सकता है कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर माना जाता है, और दिल्ली में एक कहीं कहीं कहा जा सकता है एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया एक चेहरा मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को ही ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का चयन किया। और हालांकि इस नाम में कई लोग थे, कई जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के ही वो भी इस लिस्ट में थे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का संबोधन किया और उसके नाम का प्रस्ताव किया, उस पर अन्य नेता जो है वो अपनी सहमति जताते हुए नजर आए। और ये जताने के बाद अब लगभग तय हो चुका है कि आतिशी दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन शपथ ग्रहण कब होगा, कब आतिशी शपथ ग्रहण करेंगी, इस मामले पर औपचारिक तौर पर भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम जो नाम और इससे जुड़े हुए तमाम जो बातें हैं उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की जाएगी। शंकर,
एक बात समझाइएगा ताकि दर्शक समझ सके, एक महिला मुख्यमंत्री और एक ऐसी नेता जिनको काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि वो जब से केजरीवाल जेल गए थे तो वो तत्परता से आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। हर मंच पर उन्हें अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता के साथ भी देखा गया, मंच पर वो नजर आती रही थी। और सबसे बड़ी बात शंकर कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए भी सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि आतुषी का नाम ही सजेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो इन सब का फायदा मिला है। और क्या आम आदमी पार्टी को भी इन चीजों का फायदा आगामी चुनाव में मिलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, आतिशी का जो एक जो स्वभाव है और उनकी जो छवि है, छवि एक तो से तेज तरह नेता के तौर पर है, दूसरी तरफ देखा जाए काफी पढ़ी लिखी हैं, विदेश में काफी तालीम वहां से हासिल की, विदेश में नौकरी भी करती थी। बाद में ये अन्ना हजारे आंदोलन और केजरीवाल और उसके साथ साथ उनके पार्टी के साथ में जुड़ी और उसके बाद विदेश में अपनी नौकरी को छोड़ करके वो दिल्ली पहुंची। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसके उस त्याग और उसके एक समर्पण की जो बात है उस बात को काफी तवज्जो दिया गया पार्टी में। दूसरा, उनकी एक छवि एक बेहद तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उनको देखा जाता है क्योंकि युवा है और युवा के साथ साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ना और इसके साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी साथ में लेकर चलना, ये एक किसी भी नेता की एक अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और इस क्वालिटी का जो एक अच्छा खासा जो एक कहा जा सकता है कि तजुर्बा जो है वो आतिशी में देखा जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी अपनी सहमति उसके प्रति दिखाते हुए नजर आए। तो चाहे वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें या पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बात करें या जो अभी के युवा मंत्री हैं या नेता हैं उनके बीच में आतिशी का जो कद है वो एक साफ सुथरी और इसके साथ साथ एक कहा जा सकता है कि बिना किसी विरोध के के उसको जाना जाता है कि तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी का एक फायदा जो है आतिशी को मिला है और इसी की वजह से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनके नाम का साफ सुथरी छवि जो है वो आतिशी मार्लिना की है। तो क्या यही वजह है कि उनका नाम सामने आया? क्योंकि शंकर अगर दूसरे पहलुओं पर गौर करें तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चा थी कि मनीष सिसोदिया, संजय, किसी का भी नाम सामने आ सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन लोगों का नाम आगे ना करके बीजेपी को अटैक ना करने का यहां पर मौका दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि जिस केस में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसी का आरोप मनीष सिसोदिया और संजय दोनों पर था। आपने बहुत सटीक सवाल किया है और उसका जवाब भी लगभग स्पष्ट हो चुका है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वो बेहद संगीन आरोप लगा, उस केस में वो जेल भी गए, उसी मामले में मनीष सिसोदिया जेल में रहे, हालांकि वो भी जेल से फिर बाहर जमानत पे आए। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन की अगर बात करें, सत्येंद्र जैन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो काफी समय तक जेल में रहे। तो इस तरह से तमाम जो नेताओं का देखा जाए, जिन जिन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन दो ऐसे नाम हैं जिसका नाम आपने जिक्र किया, संजय सिंह देखिए वो राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा में भी एक ऐसे नेता के तौर पर उनको भेजा गया जो मुखर होकर के और तमाम सवाल जवाब को वहां संसद में उठाते रहे हैं। तो इसलिए राज्यसभा सांसद होने के नाते उनको नहीं, उनके नाम को यहाँ पे प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही एक और नाम है सौरभ भारद्वाज भी काफी युवा हैं और दिल्ली में काफी युवा मंत्री के तौर पे उनको देखा जाता है, जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लगातार कल से हमने देखा कि मंथन का दौर जो है उनकी पार्टी के भीतर चल रहा था, लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें आतिशी मार्लिना जो कि अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में मंत्री थी उन पर मुहर लगा दी गई है, यानी कि अब आने वाले वक्त में आगे मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी मार्लिना होंगी। लेकिन अगर ये इसको देखें, क्योंकि देखिए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही बता दिया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उनके पास अधिकार सीमित है, वो किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते, वो दफ्तर नहीं जा सकते, तो एक तरह से एक मजबूरी जरूर अरविंद केजरीवाल के पास आ गई थी कि आगे कामकाज को बढ़ाना है। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री चाहिए था और जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली को एक मुख्यमंत्री जो है वो मिलने जा रहा है, लेकिन इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही भी देखा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं अब वो दिल्ली की जनता से मैंडेट लेंगे, दिल्ली की जनता के दरबार में जाएंगे और उसके बाद अगर दिल्ली की जनता उन्हें मैंडेट
कैंडिडेट देती है तो वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए इस तरह का इमोशनल कार्ड वो अक्सर हाँ खेलते रहे हैं, अगर इनके कार्यकाल को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों एक अनिश्चितता की बादल छाए हुए थे वो अब खत्म हो गया है और आतिशी मरलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। जी तो आतिशी मरलेना दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, यानी कि अगली मुख्यमंत्री का नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि दिल्ली के सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा जो है वो हो रही थी। हालांकि जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि आतिशी बेहद ही साफ सुथरी छवि के लिए जानी जाती हैं और आतिशी एकमात्र ऐसी नेता रही हैं कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल में थे उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी के साथ वो मुखर होकर बोली। इतने लंबे वक्त तक दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहे, कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। आपने इससे पहले इस तरह का उदाहरण नहीं देखा होगा। जब भी किसी मुख्यमंत्री को जेल की सजा सुनाई जाती है, वो जेल में जाने की स्थिति होती है तो वो इस्तीफा देते हैं। अगर ताजा उदाहरण आप देखें तो झारखंड के मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था, उन्होंने इतिहास एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया। लगातार उस समय भी बीजेपी लगातार दबाव बना रही थी कि जब वो जेल में है तो ऐसे में दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक सा गया है तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जब वो बाहर आए तो उन्होंने इसका कारण भी बताया कि उन्होंने क्यों नहीं जेल से इस्तीफा दिया और अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन चूंकि अब बहुत दिन नहीं बचा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में बिल्कुल अनूप जिस तरीके से जानकारी हमारे संवाददाता अनूप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से इतिहास रचा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अगर सियासी पन्नों को पलट कर देखें तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जब भी किसी नेता को या मुख्यमंत्री को सजा सुनाई जाती है, जेल होती है, जेल जाता है वो, तो वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। ताज़ा जानकारी जैसे वो देते हुए नजर आए कि किस तरीके से हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो वो चंपई सोरेन को अपनी जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आए थे। हालांकि केजरीवाल पर दबाव बहुत ज़्यादा बनाया गया, चाहे हम बीजेपी की तरफ से बात करें या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से बात करें, दबाव में आम आदमी पार्टी थी लेकिन केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा किसी कीमत पर नहीं देंगे। दूसरी तरफ जब वो अभी जमानत पर वापस आए और इससे पहले जब आम चुनाव के दौरान वो उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी और वो प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे उस दौरान, और अब जब वो जमानत बाहर हैं इस दौरान भी काफ़ी पाबंदियां उन पर लगा दी गई, जैसे वो किसी भी तरीके का कोई भी काम एज अ सीएम के तौर पर नहीं कर सकते हैं, सीएम के तौर पर वो किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकते हैं।